तो मेरे को मिला है ये ब्रोकन टोयोटा सुप्रा जिसको हम लोग कन्वर्ट करने वाले हैं एक फास्ट एंड फ्यूरियस के सुप्रा में, बट हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे एक फास्ट एंड फ्यूरियस के ड्रैग सुप्रा में। एंड वीडियो के आखिरी में ना हम लोग अपनी सुप्रा को एक क्विनिसेक जेस्टो के साथ ड्रैग करवाएंगे। कौन जीतेगा जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखिएगा। तो गाइस अपनी सुप्रा यही में पार्क डाउन, हम लोगों को अभी इसको पिकअप करना है। भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं ये प्रोजेक्ट को लेकर, बिकॉज मेरा मन बहुत टाइम से था कि फास्ट एंड फ्यूरियस का ड्रैग सुप्रा बनाने का, जो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। भाई रुक जाओ के थोड़ा सा आगे चलते हैं। एंड ऑब्वियसली क्विनिसेक जेस्को के बारे में आप लोग जान रहे हो गए, बहुत ज्यादा बीस्ट कार है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि यार सुप्रा क्विनिसेक जेस्को को हरा पाएगा क्या? भाई ये सब तो आप लोगों को आखिरी में पता ही चल जाएगा, बट सबसे पहले हम लोग सुप्रा को ट्राई करते हैं चालू करने का। भाई ये क्लिक में चालू हो गया, ये होता है लेजेंडरी इंजन। भाई टोयोटा का इंजन ना बहुत ज्यादा ड्यूरेबल रहता है यार, मतलब आई थिंक चेसिस में ही इसका प्रॉब्लम था। लेट्स गो, इसको ऊपर लेके चलते हैं। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो यार। लेट्स गो, यहाँ पे खड़ा करते हैं, पार्किंग ब्रेक लगाया जाए, इंजन बंद किया जाए। यार मतलब कितनी सारी टोयोटा सुप्रा हम लोग ना अभी तक रिबिल्ड कर चुके हैं, बट आज वाला जो सुप्रा है ना, क्या हो रहा है ये? भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया। ओके स्टैंड का वजह से था, कोई इशू नहीं है, अभी ये सही हो जाएगा, देख रहे हो इजी सही हो गया। अब हम लोगों को टाइम है भाई गैराज जाने का, जहाँ पे हम लोग इसका रिबिल्ड चालू करने वाले हैं। यार बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, इंजन को हम लोग फुल्ली यहाँ पे अपग्रेड करेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे नॉस भी लगाएंगे, बहुत कुछ करने वाला हूँ भाई इसके इंजन के साथ, जिससे हम लोगों को ना ये आई थिंक बोल सकता हूँ आई थिंक 1500 या 2000 bhp तक ये प्रोड्यूस करके देगा, जो कि आई थिंक जेस्को को हराने के लिए इनफ होना चाहिए। भाई यार ये सुप्रा का कुछ कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब दिख रहा है यार, कितना बेकार एक्सीडेंट में हुआ था, बट इंटीरियर एंड इंजन जो कि है ना इसका बहुत परफेक्ट है। सामने का चैसिस इजीली रिपेयर हो जाएगा, पीछे का आई थिंक सिर्फ और सिर्फ ट्रंक हम लोगों को चेंज करना है, एंड पीछे का बम्पर है वो भी हम लोगों को चेंज करना, बाकी सब कुछ आई थिंक डिसेंट लग रहा है, हो जाएगा रिपेयर, मैं कर लूंगा इजिली इसको रिपेयर, इतना तो मेरे को पता है। बट यार इसके इंजन को ना हम लोगों को ऐसा पावरफुल बनाना पड़ेगा ताकि हम लोग जेस्को को भाई कंपटीशन दे सके। बट फिलहाल तो अभी हम लोगों को गैराज जाके इसको पूरा रिपेयर करना है भाई, पूरा रिबिल्ड करना है। ड्रैग एंड ऑल बाद में देखा जाएगा, पहले हम लोगों को भाई इसको एकदम नीट एंड क्लीन बना लेते हैं, वो भी फास्ट एंड फ्यूरियस की पॉल वॉकर की सुप्रा में। तो गाइस हियर वी आर, अपने गैराज पे आ गए हैं भाई, यहीं पे हम लोगों को इसको पूरा काम चालू करना पड़ेगा। अभी पहले तो अनलोडिंग करना पड़ेगा यार, मैं सोच रहा हूँ ना इस साइड से घुसाते हैं, उस साइड पे हम लोग अनलोड कर लेते हैं। गैराज तो अपना ही है, गैराज में तो हम लोगों को कोई टेंशन है नहीं भाई, यहाँ से घुसाते हैं एंड अंदर में ही अनलोड कर सकते हैं बेसिकली, यहाँ साइड में एंड यहाँ पे अनलोड करते हैं, ठीक है। ओके हम लोगों ने इसको प्रॉपरली एकदम लाइनअप कर लिया है, जहाँ से हम लोगों को इसको बस नीचे निकालना है, चालू किया जाए भाई, चालू हो जाना बस, इजी चालू होता है भाई सुप्रा यार। मेरे को भी चाहिए यार 2JZ इंजन रियल लाइफ में यार। भाई बम्पर डिलीट हो जा रहा है फ्रंट का। ओके लेट्स गो भाई, फुल्ली काम करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसका चैसिस रिपेयर करना है, तो जल्दी से हम लोग उसको कर लेते हैं। चैसिस रिपेयर हो गया, अब हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं भाई बॉडी पार्ट्स लगाना, जो भी हम लोगों को जरूरत है। एंड ऑब्वियसली हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक पॉल वॉकर के सुप्रा में, तो हम लोग उसी के बॉडी पार्ट को लगाएंगे, जो कि रहेगा बोमैक्स का। पूरा बॉडी गार्ड हम लोग ना बोमैक्स का ही लगाएंगे, आई थिंक रियर में सिर्फ और सिर्फ रियर बम्पर हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लोगों को भाई ऑप्शन है बेसिकली, यहाँ पे टारगेट टॉप को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, जो कि आई थिंक पॉल वॉकर के सुप्रा में है, एंड हम लोग पूरा वही थीम रखने वाले हैं, तो हम लोग भाई कुछ भी यहाँ पे कम ही नहीं छोड़ेंगे। रियर में ना एक बड़ा सा स्पॉइलर लगाते हैं भाई, स्पॉइलर आई थिंक हम लोगों को काम भी आएगा, प्लस पूरा वैसे ही दिखना ही चाहिए यार, जैसे मैं बोल रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली हम लोग इसमें पेंट जॉब भी देंगे, हम लोगों को पेंट जॉब भी डन है भाई। हम लोगों ने हुड क्यों नहीं लगाया अभी तक, हुड भाई ऐसे ओपन इंजन थोड़ी ना चलाने वाले हैं। एंड भाई पूरा कंप्लीटेड है, बस अभी हम लोगों को इसके इंजन को अपग्रेड करना है, जो कि हम लोगों ने अभी तक किया नहीं है भाई। रिवील, हाँ यार क्या क्लीन इंजन भी है भाई, यार 2JZ इंजन यार चाहिए मेरे को तो यार, सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इंजन लगता है मेरे को, बहुत ज्यादा पावरफुल इंजन है एक्चुअली ये। लेट्स गो, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके टायर्स, इसके इंजन, इसके जो भी सामान है ना सब कुछ अपग्रेड कर लेते हैं, एंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ डायरेक्टली। हियर वी गो मैन, पूरा हम लोगों ने काम कर लिया भाई, मोटे मोटे टायर्स लगाए हम लोगों ने पीछे में, जो ड्रैग टायर्स है ना एक्चुअली में हम लोगों को हेल्प तो करेगा भाई। इंजन कुछ ज्यादा ही खतरनाक पावरफुल मैंने बना दिया है, इसमें हम लोगों ने नॉस भी लगाया, आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे नॉस कैन, ये नॉस भी हम लोगों को बहुत ज्यादा पावर प्रोड्यूस करके देगा। तो इसको चालू करते हैं, चलते हैं भाई एक स्पिन लेने, देन हम लोग सीधे सीधे ट्रैक स्ट्रिप चलेंगे भाई। साउंड सुनो आप लोग तो, भाई साहब फ्लेम्स निकल रहे हैं इसके एग्जॉस्ट से, कुछ ज्यादा ही खतरनाक ही निकल रहा है। एंड टर्बो का साउंड भूल गया मैं, स्मूथ स्मूथ एकदम
क्या खतरनाक बिल्ड हो गया है भाई, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक बिल्ड हो गया है। सो लेट्स गो, एक छोटा सा ड्राइव करके देखो भाई साहब, ट्रैक्शन मिलेगा ना, हम लोग एक्सीडेंट तो नहीं करेंगे ना इससे यार। किधर चला जाए, आई थिंक हम लोग चलते हैं भाई लेफ्ट साइड ही या राइट साइड ही चलते हैं यार। लेट्स गो, हाईवे है बगल में, हाईवे में थोड़ा सा हम लोग एक बार रन करके देखते हैं, देन सीधे सीधे चलेंगे हम लोग भाई ड्रैग स्ट्रिप। एक चीज तो आप लोगों को दिखाना ही भूल गया यार मैं, भाई रुक जा छोटू, नाइट्रस है इसमें, ट्राई करें क्या हाईवे में? थोड़ा स्लोली जाएंगे फिलहाल, नाइट्रस अभी काम नहीं करेगा, हम लोगों ने ऐसे सेट करके रखा है ना, फोर्थ गियर में नाइट्रस काम करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर नॉट इन अ ड्रैग स्ट्रिप राइट नाउ, एंड अगर जब भगाएंगे तभी हम लोगों को काम है, यहाँ से हम लोगों को नीचे उतरना है बेसिकली। ट्रैफिक भी है यार, ट्रैफिक में नहीं भगाना चाहिए यार ऐसी कार्स को, ये सारी कार्स ना ट्रैफिक में भगाने के लिए नहीं रहती है भाई, फर्स्ट पर्सन चले। आह क्या व्यू है भाई, हवा आ रहा होगा इतना खतरनाक वाला ना, एंड क्या जगह है भाई, यहाँ पे ट्रैफिक वाले कितना खतरनाक चलाते, मैं भी तो खतरनाक चला ही रहा हूँ वैसे भाई। टर्न अच्छे से लेना है भाई साहब, थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे हम लोगों को होगा टर्न्स में। ना 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 अभी यार भगा नहीं सकते, इसका टॉप स्पीड फिलहाल तो नहीं चेक कर सकते यार, रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है ये तो। आई थिंक हम लोगों को ना सीधे सीधे ड्रैग स्ट्रिप जाना चाहिए, वहां पे ही इसका पावर चेक करेंगे ना तो ज्यादा फन रहेगा एक्चुअली। बट ड्रैग स्ट्रिप जाने के लिए हम लोगों को हाईवे में तो जाना ही पड़ेगा, कम ऑन लेट्स गो भाई साहब, फोर्थ पे नाइट्रोफाइल भाई 300 जा रहा है, 300 किलोमीटर पर आवर का स्पीड इसने पकड़ लिया था भाई इंस्टेंटली यार, बीस्ट बन गया ये। आई थिंक यहाँ से हम लोगों को ऊपर जाना है, सो भाई अब मैं नहीं भगाऊंगा यार हाईवे में देख रहे हो थोड़ा सा टेंशन है, क्रैश ना कर दे हम लोग। सो सीधे सीधे चलते हैं हम लोग भाई ड्रैग स्ट्रिप, जहाँ पे भाई जेस्को के साथ हम लोग ड्रैग लगाते हैं। सो गाइस जहाँ पे हम लोगों को ड्रैग करना था भाई जेस्को के साथ, हम लोग उस लोकेशन पे आ गए। आई थिंक सामने भी पाओगे, यस वहाँ पे वेट कर रहा है मेरा फ्रेंड भाई, अभी हम लोग करने वाले हैं सुपर वर्सेस जेस्को। आई थिंक इसी का आप लोगों को वेट था यार, मेरे को भी देखना है यार ये दोनों बीस्ट कार्स में से कौन सी कार जीतेगी। देखो यार स्टॉक में तो हम लोग की भाई सुपरा इजिली हारेगी, बट हम लोगों ने इसको फुल्ली ड्रैग बिल्ड बनाया है, सो आई थिंक यहाँ पे चांसेस है। लेट्स गो ब्रो, भाई उसका साउंड सुनो यार, कितना ज्यादा खतरनाक आइडल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है मैन, V8 इंजन के साथ इसका साउंड ना बहुत क्रेजी है। लेट्स गो, येलो कलर में है, एंड हम लोग चलते हैं भाई सीधे सीधे अभी अपने ड्रैग स्ट्रिप विदाउट एनी डिले, होपफुली हम लोग इसको प्रॉपरली कर पाए, बिकॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यार ड्रैग कार्स को कंट्रोल करना भाई साहब, क्या खतरनाक ग्रंट है भाई उसमें। भाई एक जगह मॉडर्न बीस्ट एंड एक जगह लेजेंडरी बीस्ट, मतलब कि 90s के टाइम की बीस्ट कार है भाई सुपरा। लेट्स गो टू द ड्रैग स्ट्रिप। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो ड्रैग करूंगा ना मैं, वो बेसिकली विदाउट नॉस करूंगा, बिकॉज नॉस में मेरे में बहुत ज्यादा पावर है, इतना मेरे को पता है। चांस देते हैं थोड़ा जेस्को को, अगर उसके पास पावर है तो हराने का। लेट्स सी यार, आई एम रेडी, 3, 2, 1 गो। भाई साहब, ओ जेस्को, व्हाट, जेस्को का पावर भाई मिड ड्रैग स्ट्रिप भाई, कितना खतरनाक पिक किया उसने मैन, थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया उधर एंड पे जाके यार, खतरनाक था ये जेस्को मिड ड्रैग स्ट्रिप कैसे पकड़ लिया यार। ओके सेकंड ड्रैग भाई, इस बार मैं ट्राई करूंगा जेस्को को हराने का, बट यहाँ पे हम लोग नॉस यूज करेंगे, लेकिन नॉस में ना हम लोग थोड़ा कम पावर दे रहे हैं, थोड़ा कम शॉट्स डाल रहे हैं। ओके रेडी, 3, 2, 1 एंड गो। भाई सुपर व्हीली मारते हुए इस बार तो जेस्को नहीं पकड़ पाएगा, इतना गारंटी दे रहा हूँ, मेरे को सामने भी देखना है, एंड भाई इजी विन फॉर सुपर द सेकंड ड्रैग। लेट्स गो मैन, लास्ट ड्रैग, अब मजा आएगा यार, अब मतलब डिसाइडिंग रहेगा। फॉर द लास्ट ड्रैग मैं फुल ऑन एकदम जाऊंगा, 100% नॉस हम लोगों ने रखा है, एंड आई थिंक व्हीली मारेगा सुपरा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा कंट्रोल करना, सो मेरे को सीधा देखना पड़ेगा। ओके आर यू रेडी, 3, 2, 1 एंड गो। भाई कंट्रोल नहीं हुआ, एंड जेस्को गोस फॉर द विन मैन, ये तो खतरनाक था यार भाई, कंट्रोल नहीं हुआ सुपरा हम लोगों का बेसिकली, लाइक स्टार्टिंग में देखा कितना खतरनाक व्हीली मारा, उसके वजह से ना थोड़ा सा मेरे को लिफ्ट ऑफ करना पड़ा था एक्सेलरेटर से, ताकि कंट्रोल हो जाए इजीली यार, बट दिस वाज एक्चुअली ग्रेट यार, एकदम फेयर एंड स्क्वायर हम लोगों ने रेस किया यहाँ पे, पहला ट्रैक जेस्को ने जीता, सेकंड मैंने जीता, एंड थर्ड लास्ट में जेस्को ने जीता भाई,
ऑब्वियसली जेस्को इज द विनर हियर। सो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड चैनल में रहने जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।